हाँ जी पीना तो दी, किस तरह है की मामला हुआ? मेरा नाम सुखविंदर कौर है, मेरे हसबेंड सिगे नवजीत सिंह गिल, असी मोगा तो इतने मेडिसन साडा पहला इलाज चलता सी, असी बिल्कुल नॉर्मल सी, असी ठीक सिगे, हुण भी वह चल के दो तरीक नूं असी इत्थे गड्डी ते आए हां। ये साढ़े कुछ टीके लगते सी, वो कहिंदे सी कि मैं मोगा शहर चो नहीं लवाने दे, क्योंकि गैप नहीं, अठ घंटे का प्रोपर पै रहा, दवाई साडी इत्थों चलदी सी, वो खुद आप चल के इत्थे टीके लवाउण लई आए आ, उन्होंने ग्लूकोज लगता सीगा। उस तो बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने पेट च पानी बन गया, इस करके उन्होंने बीपी डाउन आता, इन्होंने वेंटीलेटर से उत्थे लै गए, आई सी यू च लै गया। उस तो बाद तीन तरीक न आई वेंटीलेटर से पाया, तीन न चार नू पांच नू इन्होंने पानी नहीं कढ़िया, मैं तीन तरीक नू उत्ते गई, चार नू गई, मैं पूछा डॉक्टर 2 बजे आउणगे, डॉक्टर 12 बजे आउणगे, डॉक्टर 4 बजे आउणगे, डॉक्टर 8 बजे आउणगे, जदों रात पै गई मैनू कहिंदे डॉक्टर साहब बाहर आ, डॉक्टर साहब कल नू आउणगे। 5 तरीक दी 20 शाम नू 3 बजे पानी कढ़िया, जदों मैं उत्ते गई तां इन्हां दे स्वीपर पानी कढ़ रहा सीगा, जदों कि मैं वह बंदा वेख रही सी कि वह सफाईदार सी, सफाई करने वाला बंदा सी, वह पानी कढ़ रहा सी, ते पानी इन्हां दे अंदरों 4.5 लीटर मैं आप मिणिया, कोले खड़ी सी, उहदे ते लग्या होया सी लैवल, 4.5 लीटर पानी निकलन तो बाद मेरे नाल बोलिया, सेब खादा, उस तो बाद एकदम उन्होंने मूँह बंद कर लिया, उस तो बाद वह बोले नहीं, इन्हां दी वजह नाल इनफेक्शन फैल गई। यह मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा सब तो मशहूर हॉस्पिटल आ, जदों मैं इन्हां दे मैनेजमेंट दे सीनियर कोले आई तां उह मैनूं कहिंदा कि मैडम जी तुसी की करदे हो, असी इदां पानी नहीं कढ सकदे, उहनां दा फ्लो नहीं पानी दा बणिया सीगा, असी इस करके उहनां दा पानी नहीं कढ़िया। फ्लो बना किस गल दा फ्लो बनाउणा सी, पेट दे विच एक मतलब थोड़ा जिहा एसिड बन जाए उहदे नाल बंदा किन्ना औखा हुंदा, इन्हां दे अंदरों 4.5 लीटर पानी निकलण ते वी इन्हां दा फ्लो नहीं सी पास होया। उस तो बाद मेरे हसबेंड दी हाइट 6'1" आ, उहदे कंबल पूरा प्रोपर इन्हां दा नहीं सी आ रहा, मैं उत्ते 2-4 वारी जाके कहा भी इहदे कंबल नहीं आ, फिर उन्हां ने उहदे ते कंबल दित्ता, उसदी साडे कोल पैका मोरियां वाला कंबल उहदे उत्तर सी, सानू शाम नू रोज़ मैनू 1 लाख रुपए दा मैसेज मिलदा सी कि मैडम तुसीं जमा करवा दो, नहीं तुसीं बाहर नहीं रह सकते, ना मैनू हॉस्पिटल च खड़न दिंदे सी, ना मैनू उत्ते जान दिंदे सीगे, ते कई वारी मैनू इत्थों कुछ चंगे बंदे भी आ जिन्हां ने मैनू 1-2 दिन एडजस्ट किया, पर उस तो बाद इन्हां ने मैनू बाहर कढ़ता हॉस्पिटल नू, उस जगह नू लॉक लाउण लग गए भी मैडम बाहर जावे, मैनू इन्हां ने अंदर भी नहीं स्टे करन दिता, उत्ते भी सानू बहुत घट चढ़न दिंदे सी, जो मरीज़ का खाना आउंदा उहदे विच 450 रुपया खाउण वाले का बिल पाया जाता, 650 रुपया डाइट का बिल पाया जाता, जिवें पेशेंट पिया उहदा खाना उदा ही वापस आ जाता। अज की होया, अज की होया, अज असी 5 तरीक दे 5 बजे दे सानू मैसेज गया, 5:30 असी इत्थे पहुंच गए, 5 तो लैके 9 तक सानू ना कोई डेड बॉडी, ना सानू कोई रिस्पोंस, ना सानू कोई बिल, इत्थे कोई भी बंदा नहीं सी, ना इन्हां दा कोई सीनियर ना कोई जूनियर, सानू हुण तक खराब कीता गया, हजे तक सानू डेड बॉडी नहीं। हुण की मंग करदे तुसीं? असीं इंसाफ दी मंग करदे आ, जो गरीब मेरे भैण भरा सब दा पेशेंट, मेरा तां दीवा खत्म करता इस लोकां ने, जो कि होण वाला नहीं सी, ओहदी 6'1" हाइट इत्थे तुर के आया, गड्डी चला के आया, ते ओहदे विच 12 ग्राम ब्लड सी, रिपोर्टां बोलदियां नॉर्मल रिपोर्टां उस बंदे दियां सारियां, ते 98 kg ओहदा वेट आ, ओह इड्डी छेती मरन वाला सी, इन्हां ने इनफेक्शन ना ओह बंदा खत्म करता, इन्हां दी वजह नाल इनफेक्शन होई आ। हांजी भाई जी, की नाम है? साडा रिश्तेदार आ जी, असीं मोगे तो आए हां जी इत्थे, ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜਾ 4 ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਡੈਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ,
ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ VVIP ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈਲੋ DM ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਥੇ ਅੱਜ ਸੇ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ और इनके मरीज की जिस जो बीमारी थी इन्फेक्शन लीवर की बीमारी थी इस मरीज़ में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं तो उनको दिमाग की भी इन्फेक्शन हो गई थी और शरीर में इन्फेक्शन फैल रही थी इसके बारे में इनको बता दिया गया था इन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया उन्होंने बीमारी को समझा भी है हमारी बात भी समझी है और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ देने के बाद जो प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट है वो उनका ट्रीटमेंट चला भी है ये बात उन्होंने समझा भी है और आपके सामने ये जो बात कह भी रहे हैं कि हमने इनके साथ हर दिन पे सुबह शाम इनसे बातचीत करके मरीज की सारी स्थिति बता के मरीज की हालत में अगर सुधार है तो सुधार बताया नहीं हुआ तो वो भी बताया कि नहीं दवाइयाँ दे रहे हैं हम लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है ठीक है कि नहीं वो बात इनको सारी शुरू से अंत तक जब से मरीज दाखिल था वो बताई गई है ठीक है कि नहीं इनके जो कंसर्न थे आप इनसे पूछ सकते हैं सारे एड्रेस भी किए गए हैं ऐसा नहीं है कि किसी कंसर्न को इनसे छुपाया गया या नहीं या कोई नहीं बताया गया मेरे साथ रोज इनके जो इनकी वाइफ हैं और इनके जो भाई हैं बलजीत सिंह जी रोज़ मेरी इनसे बातचीत होती थी रोज़ मैं इनको राउंड करने के बाद मरीज़ के बारे में बताता था मरीज़ को जब भी ज़रूरत होती थी हम ऊपर पहुंचते थे और हम साथ के साथ जो ट्रीटमेंट होता था आप इनसे पूछ भी सकते हैं तो मरीज़ के इलाज में किसी तरह की कोई अनगहली या इस तरह की चीज़ नहीं हुई है जिससे मरीज का कोई जो मरीज की डेथ हुई वो उसके किसी अनगहली के कारण नहीं इन्फेक्शन मेन जो हाँ मरीज की डेथ का कारण था वो शरीर में इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया था और इन्फेक्शन की दवाइयाँ देने के बावजूद भी उस मरीज को हम अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं सके तो ये मरीज की हालत इनका कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही है इसमें लापरवाही नहीं है ये आपके सामने कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने इनके साथ पूरा कोऑपरेट किया